नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। और इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरपीएफ एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स आरपीएफ एग्जाम को देखते हुए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ जो कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपके पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप साथ साथ में कर सकते हैं और अपना इसको जान सकते हैं कि आप किस मुकाम तक अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करके आ रहे हैं, जिससे कि फ्रेंड्स आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बना रहेगा, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो फ्रेंड जो हड़प्पा संस्कृति है के अध्ययन के साथ जिसका संबंध नहीं है वो है फ्रेंड्स आपका, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पीएस बस जो है आपके वो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जो जैन साहित्य को कहते हैं वह कहते हैं आपका अंग, त्रिपिटक, वेद, ऋतरत्न बिल्कुल नहीं है, जैन साहित्य को आपका अंग कहते हैं, क्योंकि जैनियों का फ्रेंड्स जो जैन साहित्य है वो जैनियों का एक शरीर का पार्ट से है, तो जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो जो महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था, ये यार मैं इस क्वेश्चन को कई बार करा चुका हूँ, इसका सही आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क ऐसा राजा था जो कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और बौद्ध साधु बन गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा आपको अपना पता कर सकते हैं, उस्ताद ईसा जो थे, उस्ताद ईसा आपके ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। कौन था? उस्ताद ईसा ने ही फ्रेंड्स, जो ताजमहल था उसकी डिजाइनिंग जितनी की थी वो उस्ताद ईसा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो था आपका, अपना चेक कर सकते हैं, इसका सही आंसर होगा फिर मैं आपको बताता हूँ, सआदत खान। कौन था? सआदत खान। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह होता है आपका 6 वर्ष का, 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषता है वह निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? तो वह है फ्रेंड्स आपका, इसका सही आंसर होगा सी, नागरिकों को, यानी कि जो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है वो नागरिकों को प्रमुखता देती है हमेशा। फ्रेंड्स जैसे मैंने अगला क्वेश्चन कराया था जी कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है, आपने लगाया था 6 वर्ष। ठीक है, और जो लोकसभा के कार्य सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 ईयर का होता है और जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जो सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वह बनी थी फ्रेंड्स आपकी फातिमा बीबी, ये बनी थी फ्रेंड्स आपकी सुप्रीम कोर्ट की, और फ्रेंड्स हाईकोर्ट की जो सबसे पहले बनी थी वो बनी थी लीला सेठ, और कौन से उसकी बनी थी हाईकोर्ट की? हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश, लीला सेठ हिमाचल प्रदेश, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, यह भी मैं क्वेश्चन आपको कई बार करा चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? जोगिया गरसोप्पा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी गिरती है वह आपकी कावेरी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका मानस पशु विहार है वह आपका स्थित है, यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका बी, असम में आपका यह स्थित है। कहाँ पे? असम में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संसार का सबसे अधिक
आर्द्र महाद्वीप है। तो जो संसार का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप है वो है आपका, आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, डी दक्षिण अफ्रीका संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। आप ना देख सकते हो कौन सा है, फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है सी अपच्छय आपका मृदा अपरदन का कारण नहीं है। और जो फ्रेंड्स आपका अपवाहन है वो आपका मृदा अपरदन का कारण है, वनोन्मूलन है वह भी आपका मृदा अपरदन होती है, जिससे भी मृदा अपरदन होता है फ्रेंड्स। मृदा का रिसाव जो मृदा गिरती है, अधिक चराई भी फ्रेंड्स मृदा अपरदन का कारण है, और जो आपका अपच्छय है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हिंद महासागर में। कौन से हिंद महासागर में आपका डीगो गार्सिया द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्न में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्न में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ए तापमान के कारण होते हैं। किसके कारण, तापमान के कारण। आइसोगोनिक रेखाएं हैं तो वह है आपकी, इसका सही आंसर होगा डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजाओं की घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी यूनान में राजाओं की घाटी अवस्थित है। कहाँ पे, यूनान में। धूम कोहरा का कारण है, तो जो धूम और कोहरा का जो कारण है वह है आपका डी वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। नेक्स्ट उसमें बात कर लेते हैं, सेक्रामेंटो शोन ज्वाक्विलन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है अवस्थित है। तो वहाँ अवस्थित है आपकी, इसका सही आंसर होगा आप अपना चेक कर सकते हैं, कैलिफोर्निया राज्य में। कहाँ पे, कैलिफोर्निया राज्य में यह घाटी स्थित है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार किया यार हमने, तो इसका सही आंसर आया आपका जो उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है सर। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ठीक है। अब पूछ रहा है वो भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यार 25 का सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर 35 वर्ष की उम्र है और भारत का जन्म का नागरिक है तो वो बन सकता है। वैसे फ्रेंड्स इसमें दो बिल्कुल सही दिख रहा है, वैसे आपका तीनों ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन जो करेक्ट एग्जैक्टली होगा सही वो आपका दूसरा माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, रात में तारे चमकते हैं, तो जो रात में तारे चमकते हैं वो क्यों चमकते हैं, इस बारे में पूछा गया है। तो रात में तारे चमकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए अनेक अपवर्तनों के कारण रात में तारे चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रवचालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। तो जो द्रवचालित मशीनें होती हैं वो आपकी जिस सिद्धांत से कार्य करती हैं वह है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी पास्कल सिद्धांत के आधार पर द्रवचालित मशीनें कार्य करती हैं। पास्कल सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ईनियक, कौन सा है ईनियक आपका पहला संक्रियात्मक कंप्यूटर है। ये भी क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स पहले करा चुका हूँ आपको। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो वह की थी फ्रेंड्स आपकी डी केपलर ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, केपलर, क्योंकि ग्रह संबंधी जो नियम दिए थे वो भी केपलर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत के लेपन का नाम क्या है। तो इस्पात स्टील या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत के लेपन का जो नाम है वह हो जाएगा आपका सी यशद लेपन, कौन सा यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑयल ऑफ ब्रिटियोल का रासायनिक नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा आपका ए सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ब्रोमीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, जो विटामिन सी का भरपूर स्रोत है वह है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आंवला विटामिन का सबसे भरपूर स्रोत है। मानव हृदय बंद होता है तो यह बंद होता है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हृदयावरण में, हृदयावरण में मानव हृदय बंद होता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि फ्रेंड्स मानव शरीर की ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, कौन सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचाने का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, केशकत्व। तो आपका पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचाने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अंत्य वस्तुएं। कैसी वस्तुएं, अंत्य वस्तुएं। तैरती विनिमय दर को यह भी कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा नम्य विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य लागत किसके बराबर होती है, चेक कर सकते हैं आप, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, परिवहन संचार एवं वाणिज्य, कौन सा, परिवहन संचार एवं वाणिज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। और फ्रेंड्स 1 रुपए के जो नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर किए जाते हैं, किसके, वित्त सचिव के हस्ताक्षर किए जाते हैं 1 रुपए के नोट पर। और उससे आगे 2, 5, 10, 20, 50, 100 और आपका 500 और 2000 का नोट है उस पर जो होते हैं वो RBI के गवर्नर जनरल के साइन होते हैं। और फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में जो RBI के अभी नए गवर्नर जनरल आपको पता होना चाहिए कौन है, फ्रेंड्स आप बता सकते हैं मुझे, फ्रेंड्स कौन है आप बता सकते हैं मुझे, और आपको मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता तो कौन है, नए गवर्नर जनरल चुने गए शक्तिकांत दास, कौन से, शक्तिकांत दास को 25वां नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है, वह भारत के 25वें नए गवर्नर जनरल हैं, कौन, शक्तिकांत दास। और फ्रेंड्स उन्होंने उर्जित पटेल की जगह पर स्थान लिया है, और फ्रेंड्स उन्हें 3 ईयर के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इन्होंने हिस्ट्री में से BA किया हुआ है, क्या, हिस्ट्री से BA हुआ है, तो इनके बारे में मैंने बहुत सारी आपको बातें बता दी हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ महालनोबिस मॉडल का संबंध जोड़ा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो जो बोलती फिल्म थी वो थी आपकी आलम आरा। और फ्रेंड्स भारत की पहली मूक फिल्म थी वह थी आपकी राजा हरिश्चंद, पहली मूक फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद, और आपकी बोलती फिल्म थी वो थी आपकी आलम आरा, कौन सी बोलती फिल्म थी आपकी, बोलती फिल्म तो जो थी दूसरे नंबर की फिल्म थी फ्रेंड्स, जो थी आपकी आलम आरा, बोलती फिल्म जो थी आपकी वो थी आपकी आलम आरा, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो जो राजीव गांधी विमानपत्तन आपका स्थित है वह स्थित है आपका डी, हैदराबाद में आपका यह स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बीमार शब्द का संबंध किस खेल से है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, क्रिकेट से है। जो बीमार शब्द है फ्रेंड्स, बीमार नहीं है वो आपका मिस्टेक हो गया है, बीमार शब्द का जो संबंध है वो किससे है आपका, क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन दिया है, अभिदेशन क्या है वो क्या है आपको ये बताना है, तो जो वह अधिवेशन है फ्रेंड्स वह है आपका बी, खंड फर्स्ट अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, किसके, खंड फर्स्ट अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है।
अब इसका सही आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए वैसे तो, बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, क्योंकि जो बी में आपको बताया गया है फ्रेंड, जो विटामिन होती है उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन में कैरोटीन पाया जाता है, और जो आपका एंजाइम होता है, एंजाइम में आपका पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, और जो आपका एंजाइम में पेप्सिन एंजाइम हो गया, अब जो आपका हार्मोन है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, और प्रोटीन आपका डी नंबर पे आया है, तो उसका जो हो गया वो कौन सा हो गया, कैरेटीन, प्रोटीन में कैरेटीन पाया जाता है और विटामिन में कैरोटीन, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, डायनासोर्स फ्रेंड्स प्रजाति हुआ करती थी पहले, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए पर लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभी बोर्ड में, रेलवे की जैसी परीक्षा में भी यार ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सी, मैसोजोइक युग में होता था, डायनासोर्स रहे थे वो रहते आपके मैसोजोइक उम्र में, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण के चार महत्वपूर्ण चरण हैं, तो जो पारिस्थितिक अनुक्रमण के चार महत्वपूर्ण चरण हैं इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, यानी कि आपका जो छीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण, ये आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल स्मार्ट हिस्ट्री फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में, नई ट्रिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।